मानव इतिहास में अनेकों सभ्यताएं रहस्यमय ढंग से गायब हुई और अपने पीछे कई निशानियां छोड़ गई, जो कुछ हद तक उनके जीवन का मकसद तो हमें बताती है, पर उनकी सभ्यता नष्ट कैसे हुई इसका हमें कोई सबूत नहीं मिलता। ये सारी सभ्यताएं अपने समय से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, जिनके पास उन्नत निर्माण की तकनीक और दूसरी वैज्ञानिक योग्यताएं भी थी। इन सभ्यताओं में से कई तो धरती पर सैकड़ों साल राज करती रहीं, पर एक समय ऐसा आया कि वे सभी वक्त की रेत में कहीं गुम हो गई। ये सभी समृद्ध सभ्यताएं अचानक से कैसे गायब हुई, आखिर वे लोग कहाँ गए और किन कारणों से इनका विनाश हुआ, ये सभी सवाल हमें सदियों से सोचने पर मजबूर करते आ रहे हैं। ऐसा लगता तो है कि वे लोग चाहते थे कि हम उनके बारे में जाने, पर लेकिन इस बात को वो खुद मिथक बना कर गए कि उनका अंत कैसे हुआ। स्वागत है आपका मिथक चैनल में। आज के एपिसोड में हम अमेरिका की माया सभ्यता के बारे में जानेंगे। अमेरिका की माया सभ्यता। माया सभ्यता के लोग शायद इतिहास की सबसे समृद्ध और प्रगत सभ्यता का उदाहरण है। ये लोग प्राचीन सभ्यताओं के उन लोगों में से थे जिन लोगों ने बहुत ही कम समय में काफी कुछ हासिल कर लिया था और अपने विकास के शुरुआती चरण में ही संघर्ष करते हुए कहीं गुम हो गए। आखिर इस सभ्यता का क्या हुआ, ये सबसे दिलचस्प विषय है। माया सभ्यता की बात की जाए और इसकी तुलना मिश्र की सभ्यता से की जाए तो पता लगता है कि माया सभ्यता के लोग कितने बुद्धिमान थे। माया सभ्यता का लेखन, गणित और निर्माण शास्त्र इन्हें समकालीन सभ्यताओं से कई ज्यादा उन्नत साबित करता है। एक समय में माया के 40 शहरों की जनसंख्या लाखों में थी, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले शहरों का पतन कैसे हुआ, ये बड़ा रहस्य है। इस सभ्यता के पास सब था। ये लोग उन्नत तकनीक से घर और पिरामिड बनाने में माहिर थे। ईसा पूर्व 800 साल पहले ही इन्होंने साल को 365 दिनों में बांट दिया था। पूरी तरह बारिश के पानी पर आधारित खेती करने में ये सभ्यता काफी माहिर थी। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने इंजीनियरिंग और खगोल शास्त्र के मामले में पूरी दुनिया में लोहा मनवाया था। लेकिन इतनी उन्नत सभ्यता एक समय में आकर कैसे गायब हुई, ये किसी को नहीं पता। चलो आज जानते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं इस सभ्यता के अंत के। आधुनिक विज्ञान की माने तो माया सभ्यता की शुरुआत ईसा पूर्व 2000 से लेकर 250 ईसा तक हुई, और इस काल में इन्होंने अपने आप को अमेरिका खंड के वर्तमान मैक्सिको देश से मध्य अमेरिका तक एक सभ्यता के रूप में साबित कर दिया और अपने कई बड़े शहरों को भी बसाया। इस काल में माया सभ्यता के दो शहर तिकल और कलम्बुकुल ये काफी शक्तिशाली बने और काफी समय तक वैज्ञानिक इन्हें समकालीन दुनिया के सबसे बड़े शहरों के रूप में देखते थे। ये दोनों भी ग्रीक राज्य स्पार्टा और एथेंस की तरह एक दूसरे से झगड़ते थे। काफी शोधकर्ता पहले तिकल को उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा शहर मानते थे, पर आधुनिक शोध से पता चला है कि कंबोडिया स्थित हिंदू शहर अंगकोर इससे काफी बड़ा था। इसवीं शताब्दी 200 के बाद मेक्सिको स्थित टियोटिहुकन शहर ठीक हमारी दिल्ली की तरह माया सभ्यता का केंद्र बना और वहाँ के काफी राजघरानों ने यहाँ से सदियों तक राज किया। 9वीं शताब्दी में माया सभ्यता में काफी राजकीय उथल पुथल देखने को मिलती है, पर फिर भी माया सभ्यता अमरीका के काफी बड़े हिस्से पर राज बनाए रखी हुई थी। 17वीं शताब्दी में स्पेनिश लोगों ने अमरीका में प्रवेश कर लिया। माया सभ्यता की नींव इसी कारण हिल गई। गोरों के आने से पहले अमेरिका खंड काफी हरा भरा था। गोरे अपने साथ यूरोप की कई भयानक बीमारियां यहाँ ले गए। इस वजह से करोड़ों लोग मारे गए और माया सभ्यता की जनसंख्या काफी कम हो गई। और इस कमजोर माया सभ्यता का अंत 1697 में नोचपेटन शहर के पतन से हुआ। स्पेनिश ने इसे जीतने के लिए सैकड़ों अभियान चलाए और युद्ध से ज्यादा लोग बीमारी से मारे गए। फिर भी माया सभ्यता ने इसे 5 साल तक बचाए रखा और इसके पतन के साथ महान माया सभ्यता का अंत हुआ। ये सभ्यता इतनी महान थी कि इन्होंने ईसा पूर्व 500 साल पहले अपने खगोल शास्त्र के ज्ञान से 2012 तक की भविष्यवाणियां की थी, जो 100% सही साबित हुई।